भोजपुर की ऐसी घटनाएं जो आपका दिल दहला दे। ऐसी खबर जो सबको हिला दे, जो हर पहलू से कराता हो रूबरू, जो सबके लिए हो खास, जो बताए भोजपुर की संस्कृति और साथ में भोजपुर का इतिहास। भोजपुर का दर्पण, भोजपुर दर्शन। भोजपुर दर्शन, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश तिवारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से प्रभात है फेरी रैली निकाली गई। इस प्रभात फेरी रैली में विद्यालय के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को जागरूक करने पर अपनी बातें कही। साथ में विद्या भवन में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सदर अनुरंधाधिकारी के अलावा जिला के कई वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हर मतदाता अपने अधिकार का उपयोग अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मतदाताओं का एक एक वोट काफी ही कीमती होता है और हर मतदाता अपने कीमती वोट का उपयोग अवश्य करे। दादा, उसी तरह से संकीर्ण होकर के समर्पित तरीके से आप आगे बढ़े और बहुत सुंदर आगाज हुआ। भारत की मतदान एक नई जागृति, नई चेतना, नया बोध भर जाएगा मतदाताओं के लिए। मतदाताओं को जागृत करना, मतदाताओं को साक्षर करना और एक जो अभियान चला है भारत निर्वाचन हमारे आयुक्त अरोड़ा साहब। आप समझ सकते हैं कि सारा कुछ के विकास होगा आपकी एक एक सक्रियता का, आपकी एक एक गतिविधि का। इसलिए उसी बौद्धिकता को बनाए रखने के लिए रोज सत्र के वाकई जो स्पर्धन पर अभी हमारे बैठे, जो की एक बौद्धिक सत्र है और जनता दल के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अशोक शर्मा जी, सीनियर डिप्टी कलेक्टर और कई कई पदों के दायित्व के साथ श्रीमती अरुणा जी, एनजीओ श्री अरुण प्रकाश जी और परिचय देना तो ठीक ठाक नहीं लगता है, इसलिए बहुत कमी है कि डीआरडी एक डायरेक्टर के रूप में इनका परिचय देते हुए भारत के अपने देश के सभी नागरिकों और सभी नागरिक विशेष सुविधा देने हेतु
प्रतिबद्ध है। 17वीं शताब्दी में जन्मे अर्थात विवेक बच्चा हूँ कि वे एक उदाहरण प्रस्तुत करें तो अपने परिवार के सदस्यों तथा हम उम्र मित्रों को प्रोत्साहित करके हमारे राजदूत बने ताकि वे लोग भी ग्रामीण निवासियों और प्रत्येक उत्तरवर्ती निवासियों में भी बच्चे जन्मे 2011 को की गई राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता के महत्व को उजागर करने के लिए की गई है और ये दिन सभी मतदाताओं को एक मतदाता के रूप में उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में स्मरण करवाता है। इस दिन लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था का स्मरण करते हुए हम अपने देश की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा और स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचनों की शुचिता को अक्षत रखने का संकल्प कराते हैं। हमारा प्रयास निर्वाचन को अधिक से अधिक समावेशी के साथ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नरोड़ा जी को जो है उपरांत हम एक सीधे अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारतीय संविधान दिवस यानी गणतंत्र दिवस के ही दिन भारत का अपना संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र दिवस की तैयारी को अंतिम चरण में है और तैयारी लगभग जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। 26 जनवरी को प्रातः काल वीर कुंवर सिंह मैदान में प्रभारी मंत्री झंडा तोलन करेंगे, इसकी तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विगत कई दिनों से लगे हुए हैं। बालिका उच्च विद्यालय की भी छात्राएं इस गणतंत्र दिवस की तैयारी में लगी हुई है। आइए देखते हैं और सुनते हैं बच्चों से। भोजपुर दर्शन आज बच्चों के बीच में है और यह बच्चे जो हैं काफी प्रसन्न हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की तैयारी भोजपुर के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं कर रहे हैं। चेहरे पर काफी मुस्कुराहट है क्योंकि गणतंत्र दिवस यानी अपना संविधान जो लागू हुआ था उस लागू के खुशी में सारे लोग पूरे देशवासी झंडा तोलन करने की योजना बना चुके हैं और 26 जनवरी को हर विद्यालय में महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में झंडा तोलन का कार्य किया जाएगा। मैं इस समय खड़ा हूं बालिका उच्च विद्यालय में जहां की छात्राएं आपको मालूम हो देख रहे हैं कि हाथों में झंडा लिए ये खड़ी है देश की अपनी एक शान आन और बान ताकि इस आन और बान शान के साथ यह जो तिरंगा जो झंडा है यह हमेशा ऊंचा रहे ताकि भारत का नाम भी हमेशा ऊंचा रहे और इसका शान हमेशा बना रहे। आज इस छात्राएं जो हम सबकी भोजपुर की छात्राएं हैं काफी ही
अपने इस झंडा तोलन को लेकर तैयारी विगत कई दिनों से कर रही है और इस तैयारी को किस प्रकार तैयारी हो रहा है मैं बात करूंगा इस विद्यालय की छात्राओं से, ताकि छात्राएं जो है आने वाले देश की भविष्य है और ये योजना भी सरकार बना रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और इस योजना को लागू भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने किया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये भी गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर काफी ही उत्सुक है। 26 जनवरी क्या होता है? झंडा दिवस। झंडा दिवस है, क्या होता है झंडा दिवस? झंडा दिवस तिरंगा लहराने का दिन है। तो तुम भी तैयारी किए हो झंडा फहराने का? हाँ। अच्छा, झंडा फहरेगा? हाँ। झंडा फहरेगा, यह तिरंगा दिवस है। ये छोटा सा नन्हा सा बालक, यह देश का बालक जो जिसे यह अभी से देश प्रेम है, ताकि वो देश प्रेम बच्चों के अंदर जागृत करना हमारा और आपका सभी का यह कर्तव्य बनता है कि सभी के दिलों में देश प्रेम हो, इस झंडे के प्रति प्रेम हो, जो झंडा हमेशा ही ऊंचा रहे। इस कल्पना के साथ, इस विचार के साथ मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि आखिर 26 जनवरी कब से लागू हुआ और कब से यह झंडा तोलन शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950। जोर से बोलिए ना, खाना नहीं खाई है क्या? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 1950 को लागू हुआ था। हाँ। ये संविधान बनाने में लागू हुआ या स्वतंत्र देश आजाद हुआ उस समय हुआ? नहीं, ये सभी स्वतंत्र देश जब आजाद हो गया उसके बाद जो हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने पर ही हुआ। हाँ। संविधान लागू होने के खुशी में यह 26 जनवरी को झंडा तोलन गणतंत्र दिवस हम सभी मनाते हैं। लेकिन शायद आपको भी पता होगा कि इस संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा, कितना समय लगा, कितना दिन लगा, ये भी एक आपके लिए है, क्योंकि इतने कड़ी मेहनत के बाद यह संविधान बनकर तैयार हुआ। क्या कहोगी, कितना टाइम लगा था संविधान को बनाने में? संविधान को बनाने में कितना समय लगा मालूम है? कभी पढ़ी हो? बताओ। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ये समय लगा था आपको संविधान को बनाने में। और इतने दिन बन जाने के, इतने दिन लगने के बाद यह हमारा आप सभी का संविधान लागू हुआ और उसके बाद पूरे देश में अपना नया संविधान लागू हुआ। उससे पहले का जो संविधान था वो अंग्रेजों का संविधान था और उसी पर पूरा भारतवासी देशवासी यह कार्य किया करते थे। लेकिन इस संविधान को बनाने में किन किन लोगों का सहयोग रहा है ये भी बच्चे आपको बताएंगे। उस संविधान को बनाने में सबसे पहला महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, किसका नाम लोग लेते हैं, क्या कहोगी मालूम है? किसने बनाया, कौन कौन लोगों ने मिलकर बनाया और किसका सबसे ज्यादा संविधान निर्माता किसको कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू भी थे उसमें, लेकिन संविधान निर्माता किसे कहते हैं, क्या कहोगी? संविधान निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने ही इस संविधान को बनाने में अहम भूमिका अदा किए थे, मेहनत किए थे। इसके साथ आप बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका भी योगदान काफी ही महत्वपूर्ण था। वैसे इस संविधान को बनाने में और लागू होने के बाद यह देश हमारा जो भारत देश है, उस दिन से तिरंगा झंडा फहराते हैं। क्या कहोगी संविधान के बारे में? संविधान के बारे में क्या, मैं तो उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र संविधान बनाया गया था और लागू किया गया 26 जनवरी को, स्वतंत्र रूप से तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र रूप से लागू हो गया, 1950 में लागू हो गया। क्या कहोगी संविधान के बारे में? इस
संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिन नारायण सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्वरूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीम अम्बेडकर। आपने सुना कि अध्यक्ष सह अध्यक्ष और पूरे का पूरे जिम्मेवारी भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। इस विद्यालय की छात्राओं ने इतनी जानकारी आप सबों को 26 जनवरी पर दिया और सारे छात्राएं जिस विद्यालय के हैं वो गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर काफी ही कुछ करने को लेकर कुछ इस पर बहुत से छात्राएं अपनी कविता पाठ करती है तो कभी बहुत से जो छात्राएं हैं वो आपको इस पर गाना गाती है तो बहुत सी छात्राएं अपना नृत्य तैयार करने में ताकि हर्षोल्लास के साथ यह 26 जनवरी की तैयारी सभी इस विद्यालय की छात्राएं कर रही है। उम्मीद है कि आपका भी आशीर्वाद इस विद्यालय की सभी छात्राओं को मिलेगा और आप सभी भी अपने बच्चों को गणतंत्र दिवस की तैयारी, गणतंत्र दिवस है क्या इसके बारे में आप जानकारी देंगे। हमारे का दिन है तो हम लोग को देश का झंडा को भारत को आसान भी बनाना चाहिए और ऊंचा से लंबा तक नाम देना चाहिए उसको। के लोगो तुम खूब लगा लो नारा, यहाँ हिंद है का फहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आंख नहीं तो संसार नहीं, आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा, संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल डीएम कोठी रोड पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182248789, मोबाइल नंबर है 9065441442। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझा ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर, मोबाइल नंबर 9430024।
3230193341923031। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सेंस ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय, निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। आरा नगर निगम के पूर्व महापौर कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए। सदाकत आश्रम में पूर्व महापौर अवधेश यादव को बिहार मामलों के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के अलावा विनोद सिंह राठौर और शकील अहमद ने माला पहनाकर अपने महापरिवार कांग्रेस के महापरिवार में शामिल किया। इस अवसर पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि आगामी 3 फरवरी को जन आकांक्षा रैली को सफल बनाने में एकजुट कांग्रेस खर्च करता हो। कि आप कांग्रेस में शामिल हुए? हाँ, कल शामिल हुए हैं। क्या सोचकर कांग्रेस में शामिल हुए? देखिए, पहले तो मैं निर्दलीय सारा काम करता था, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। और आज जो स्थिति है देश में, संविधान खतरे में है, और आप देख रहे हैं कि नौजवानों को जो है दर भड़क भटक रहे हैं, और स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में जाति जाति में लोग बंटने जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमको लगा कि कांग्रेस का ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म को से हटकर कार्य करती है, क्यों नहीं उसके सिपाही बनकर मैं उस कार्य को हम भी सफल बनाने में मदद करूं। इसलिए मैं राहुल जी और अभी कल जो ज्वाइन किए हैं प्रियंका गांधी भी, नौजवानों का भी यहाँ टोली बहुत बड़े पैमाने पर आ रहा है। हमको लगता है कि ये पार्टी जो है देश के लिए अच्छा रहेगा और देश की सुरक्षा इसके हाथ में दिया जाए, इसके लिए सिपाही के रूप में मैं कार्य करने के लिए इसमें सदस्यता ग्रहण किया है। आप सदस्यता जो ग्रहण किए वो आप आरा मुख्यालय में किए, शहीद भवन में किए या पटना किए? पटना किए। आरा क्यों नहीं किए? आरा और पटना और आरा में क्या दूरी? दूरी के मतलब नहीं है, आप क्या यहाँ के जो शहीद भवन को आपने इग्नोर किया? ये तो इग्नोर नहीं किया, ऐसा कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता भी आपको सदस्यता ग्रहण करा सकता है कहीं भी। कांग्रेस पार्टी का ये जो रूल है हमको दिखने में मिला है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और वहाँ जो है प्रभारी लोग आए थे, हमको लगा कि भाई हम तो आज वहाँ से आने के बाद तो हम बिना आशीर्वाद कर थोड़ी यहाँ अध्यक्ष महोदय से आशीर्वाद लेने जाएंगे। कितने लोगों के साथ आपने पार्टी में शामिल हुए? हमने 50-60 लोगों के साथ गया पार्टी में शामिल हुए। शामिल। क्या योजना क्या है? नगर निगम महापौर के चुनाव पार्टी बेस पर होने जाएगा, उस पर लड़ने के लिए
या विधानसभा? जो पार्टी में जब हमने सदस्यता ग्रहण किया है तो पार्टी में एक सिपाही के रूप में काम करना है, चुनाव लड़ना है या ना लड़ना, तो पार्टी के जो पार्टी का सदस्यता ग्रहण, पार्टी जो निर्णय लेगा उसका अनुकूल हमको काम करना है, पार्टी का जो आदेश होगा उसको हमको पूरा करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखना हम सभी का कर्तव्य बनता है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान के तहत डॉक्टर निवेदन शास्त्री बालिका उच्च विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं की गरिमा पर विशेष विचार विमर्श किया गया। लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की गरिमा का ख्याल हर भारत के नागरिक को करनी चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा को बचाए रखना कर्तव्य बनता है। भेदभाव और शोषण का पहिया चलता जा रहा, रुकेगा कैसे दमन नारी का पारा चढ़ता जा रहा, रुकेगा कैसे दमन नारी का पारा चढ़ता जा रहा। सब मिलके हम ताके रहेंगे बेटियों की गरिमा, बेटियों की गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है जीवन का सौंदर्य, गरिमा का अर्थ होता है राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की मर्यादा। गरिमा मैं मनी पांडे जी का स्वागत करने के लिए इसी क्रम में चंद्रभूषण सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगा हमारी ओर से जो बहनें आई वो उनका स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे मुन्ना जी स्काउट गाइड जिला लीडर, उनका स्वागत करने के लिए हमारे साथ जो भाई चल रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए। और अब मैं चाहूंगा राजीव अग्रवाल जी न्यूज पेपर से हैं वो उनका स्वागत करने का कष्ट करें बैठ लगाकर। गरिमा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं ये मुंबई से 20 दिसंबर 2018 से हम लोगों ने चालू की है और यह यात्रा हमारी 10,000 किलोमीटर तक यह दूरी यह यात्रा हम लोग निकालेंगे और दिल्ली में जाकर 22 फरवरी को इसका समापन करेंगे और 200 जिलों तथा 24 राज्यों में यह यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा के माध्यम से जो महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर जो यौनिक अत्याचार हो रहे हैं उनकी समाप्ति के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय गरिमा अभियान गरिमा यात्रा की तरफ से हमारी गरिमा यात्रा का उद्देश्य ये है शेम टू सपोर्ट कि जो हमारी सोसाइटी में सर्वाइवर को शेम की जाती है ये वाला जो परंपरा है ये बदलनी चाहिए और जो सर्वाइवर है उसको समाज सपोर्ट करे, इसलिए हम लोग गरिमा यात्रा निकाल रहे हैं। फर्स्ट हमारा शेम टू सपोर्ट, दूसरा पीड़िताओं को न्याय मिले, तीसरा है कि जो उनके लिए रिहेबिलिटेशन का बजट है उसका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका उनको फायदा मिलना चाहिए। और अगला इस यात्रा के माध्यम से एक सर्वाइवर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, एक नेटवर्क तैयार होगा जिसके माध्यम से वो अपनी बात को हर जगह पे रख सकते हैं। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आंख नहीं तो संसार नहीं, आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा। संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल डीएम कोठी रोड पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182248789, मोबाइल नंबर है 9065441442।
शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद टू व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड फोर व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुल्हरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम, सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय। निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की स्मृति में लायंस क्लब के द्वारा मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत कवियों ने अपनी कविता पाठ किया। इस अवसर पर लायंस क्लब के काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। कि उन जैसे लोग एक प्रतीक हो जाते हैं, उन्हें समर्पित एक रचना। और अगर समय हुआ सर, कितना समय? नेताजी भगत सिंह चंद्रशेखर लाल पैदा। वाह वाह, अच्छा है भाई, वाह वाह क्रांति जी।
अगर हो दिल में कुछ जज्बात तो इनकलाब पैदा कर, नेताजी भगत सिंह चंद्रशेखर चढ़ाई कुंवर सिंह ने बांह जब गंगा के पानी में, चढ़ाई कुंवर सिंह ने बांह जब गंगा के पानी में, लगाई आग जब अब्दुल हमीदों ने जवानी में, अच्छा है, लगाई आग जब अब्दुल हमीदों ने जवानी में, किए थे प्राण न्योछावर जब उन सातों शहीदों ने, अरे तू इस तरह का फिर से एक तूफान पैदा कर, वाह 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 तूफान पैदा, बुझा दो नफरतों और दहशतों की आग सीने से, बुझा दो नफरतों और दहशतों की आग सीने से, मिटा दो दाग एक जंगे सियासत के सफीने से, मिटा दो दाग एक जंगे सियासत के सफीने से, जुनूने इश्क का फिर जिगर में सैलाब पैदा कर, वाह वाह वाह, जुनूने इश्क का फिर जिगर में सैलाब, फिर जिगर में सैलाब पैदा कर, अगर हो दिल में कुछ जज्बा तो इनकलाब पैदा कर, इनकलाब पैदा, निगाहे चिराग से अपना दिया जलाया है, इबादत इश्क से सीखी वो पूजा तेरी सोहबत से, इबादत इश्क से सीखी वो पूजा तेरी सोहबत से, अदा से तेरी उल्फत की गुलो गुलशन सजाया है, अदा से तेरी उल्फत की गुलो गुलशन सजाया है, दियो की रोशनी में भी तेरी तस्वीर झलकी है, अच्छा है, वाह वाह वाह, दियो की रोशनी में भी तेरी तस्वीर झलकी है, तेरी तस्वीर ने बेदिल में फिर से दिल बनाया, तेरी तस्वीर ने बेदिल में फिर से दिल बनाया है, और नहीं है काम काशी से नकाबे की जरूरत है, जीने खातिर तुमने अपने जीने खातिर, तुमने अपने जीने खातिर जान दूसरों की ली है, अच्छा, तुमने अपने जीने खातिर जान दूसरों की ली है, मैंने जब से मरना सीखा मैंने जीना सीख लिया, वाह वाह, मैंने जब से मरना सीखा मैंने जीना सीख लिया, फतेहपुर की शायरा का इस्तकबाल कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से माइक्रोफोन। और मैं अपनी खुश नसीबी समझती हूँ जिस डाइस पे मेरे सामने यहाँ बैठे माजिद भाई मौजूद हो, और यहाँ पर साबित भाई के हुक्म से और मजर भाई के हुक्म से आप सबके सामने आई हूँ, और अपना गजल से कबल एक मतला एक शेर पेश करती हूँ, समाज फरमाए, मतलब निकल गया है तो लहजा बदल गया, लहजा बदल गया, मतलब निकल गया है तो लहजा बदल गया, लहजा बदल गया, याद आते हैं हम, क्या कभी आपको याद आते हैं हम, याद आने लगे दिल में चलने लगा, याद आने जाए
करिश्मा कर अल्लाह वो अपने मुंह की खाए, आग लगाने चले हैं जो हर धर्म मिटाने आए। बदल जाए ये हिंदुस्तान, बदल जाए ये हिंदुस्तान, देश पे अपनी जान लुटाने वाला कष्ट उठाए। जो गांधी का हत्यारा है देशभक्त कहलाए, बदल जाए ये हिंदुस्तान, बदल जाए ये हिंदुस्तान। ना गुर्बत हो देश में ना कोई भूखा इंसान, बदल जाए ये हिंदुस्तान, बदल जाए ये हिंदुस्तान। नौजवान पढ़ लिख कर देखो रोजगार को तरसे, अपनी सारी डिग्री लेकर रोज निकलता घर से। अगर दुश्मनी ना हो तो इस शेर को फिर से दोहराया जाए। नौजवान पढ़ लिख कर देखो रोजगार को तरसे, अपनी सारी डिग्री लेकर रोज निकलता घर से। नौजवान पढ़ लिख कर देखो रोजगार को तरसे, अपनी सारी डिग्री लेकर रोज निकलता घर से। देश के जितने भी पहुंची थी ले भागे धनवान, बदल जाए ये हिंदुस्तान, बदल जाए ये हिंदुस्तान, बदल जाए ये हिंदुस्तान। और भारत की हालत तो पूरी दुनिया, भारत की हालत ना देखे देखे दुनिया सारी। लिबास में बेहद है भरी हुई अय्यारी, भारत की हालत ना देखे देखे दुनिया सारी। कोरे लिबास में बेहद है भरी हुई अय्यारी, अच्छे दिन कैसे आए है रोता है इंसान। बदल जाए ये हिंदुस्तान, बदल जाए ये हिंदुस्तान, बदल जाए ये हिंदुस्तान। शऊर होता है उनमें दिखता, शऊर होता उनमें दिखता, शऊर होता है। जो मददगार होते हैं सबके, जो मददगार होते हैं सबके, जो मददगार होते हैं सबके, उनका दुश्मन जरूर होता है, उनका दुश्मन जरूर होता है। नेक चेहरे पे नूर होता, मिलती दौलत नहीं नहीं है जिन्हें, मिलती दौलत नहीं नहीं है जिन्हें, मिलती दौलत नहीं नहीं है जिन्हें। फकत उनमें गुरूर होता है, फकत उनमें गुरूर होता है। नेक चेहरे पे नूर होता है, और वक्ती भी जिनकी खातिर थी बेकरार
आखनीवान था, हम एक थे तो अपना, ये भारत महान था, हम एक थे कश्मीर पाक ढाका सब हिंदुस्तान था, कश्मीर पाक ढाका हिंदुस्तान था, कश्मीर पाक ढाका सब हिंदुस्तान था, खुद को मिटा के जिसने वतन को बचाया, जिसने वतन को बचा लिया, खुद को मिटा के खुद को मिटा के उनकी शामत चाहते हैं हम, जो माँ बेटी सके पूरी, अब अपने मुल्क में ऐसी है हम, अब अपने मुल्क में अपनी हुकूमत चाहते हैं हम, कभी ये धर्म बेचेंगे, कभी ईमान बेचेंगे, कभी ये धर्म पहचान बेचेंगे, अभी तो सिर्फ मखदूम बाबा की मजार पर 3 दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन संपन्न हो गया। इस उर्स के सम्मेलन में काफी संख्या में दूर दूर से लोग इस मजार पर पहुंचे और चादर कोसी किए। जो डायरी चंदा जमा भूल गए हैं और कृपया माइक के पास आकर चंदा जमा कर दे। माइक के पास अपना चंदा जमा कर दें। महबूब का गवाह ₹21 महबूब जिंदगी एक किराया के चंदा देना भूल गए मखदूम साहब का मेला में मजार में और मजार के अंदर में सब कुछ व्यवस्था ठीक है, पुलिस उलिस का है, लेकिन ना यहाँ समझो कि पैखाना का है बढ़िया, न पानी का सुविधा है, न चार दीवारी है। ये नगर पंचायत में आता है, पंचायत में है,
पैखाना वैखाना भी है, इतना भी लगा हुआ बाजार में, यहाँ कुछ भी नहीं आता। मेला को लेकर के शौचालय की व्यवस्था नहीं किया गया नगर पंचायत द्वारा? हाँ किया गया है। क्या व्यवस्था है यहाँ मखदूम बाबा का? बहुत चलती है यहाँ। क्या व्यवस्था है इनके? कोई भी आदमी आता है, कोई भी दुख लेकर बाबा उनको पूरा करते हैं, बाबा पूरा कर देते हैं। कितने बीमारी आदमी है, भूख रोगी है, जो भी आते हैं बाबा की नजर में पड़ते हैं, सब ठीक हो जाता है। इनका यही सबसे करिश्मा है। आज कौन सा दिन है मेला का? आज 24 तारीख है और 17 तारीख है। आज 17 तारीख हम लोग धमाल कूदे, आग लहा कर आग में हम लोग कूदेंगे। आज राख मिल रहा है, आखिरी दिन है, आखिरी दिन आज है, जो कि 3 दिन से हमको मेला चल रहा है। ठीक है, परिचय बताइए अपना। अपना नाम है हमारा मोहम्मद नगारू शाह। जन आकांक्षा रैली की तैयारी में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी हर प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह भी काफी प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आइए सुनते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह की बातें। जन आकांक्षा रैली की तैयारी 1 माह पूर्व भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी कमर कसकर मैदान में कूद पड़े। जन आकांक्षा रैली बिहार के किसान और नौजवान के भविष्य के लिए राहुल गांधी जी पटना के गांधी मैदान में 3 फरवरी को 11 बजे दिन में पधार रहे हैं। भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम प्रखंड अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी जी जान से सभा को सफल बनाने के लिए अपना तन मन और धन तीनों लगा दिए हैं। यहाँ से लगभग 10,000 से ज्यादा लोग पटना के गांधी मैदान में शरीक होंगे। उस तैयारी की समीक्षा के लिए कल 3 पर्यवेक्षकों का मनोनयन जो प्रदेश से हुआ था, सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक हुआ। उसमें सभी प्रखंड अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारियों ने अपना अपना तैयारी के का विस्तृत ब्यौरा अपने पर्यवेक्षक को सौंप दिया। भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी आदरणीय अपने नेता माननीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी के निर्देशन में उन्होंने इस जिले को तमाम इस जिले वासियों को आमंत्रित करने के लिए भोजपुर के शहीद भवन कांग्रेस कार्यालय में आकर स्वयं अपने से निमंत्रण दिया है। उसका प्रतिफल यह है कि आज भोजपुर की जनता में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी लोग 2 तारीख के सामने ही पटना लगभग 25 बस से लोग पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भोजपुर जिले के किसान, मजदूर, नौजवान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए आप से सादर निवेदन है रैली को की सफलता के लिए भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने सीनियर नेताओं को प्रखंडों का दायित्व सौंपा है। उसमें अरविंद सिंह उपाध्यक्ष बिहिया प्रखंड, फजलू रहमान उपाध्यक्ष शाहपुर प्रखंड, वीरेंद्र मिश्र प्रवक्ता आरा ग्रामीण प्रखंड, देव कुमार सिंह प्रवक्ता आरा ग्रामीण प्रखंड, गुड्डू तिवारी बढ़हरा प्रखंड, हरेंद्र सिंह कोइलवर प्रखंड, सुभाष मवाल उपाध्यक्ष सहार प्रखंड, रामवचन तिवारी महासचिव तारारी प्रखंड, वीरेंद्र सिंह करत महासचिव पीरो प्रखंड, डॉक्टर अयोध्या सिंह उपाध्यक्ष उदवंत नगर प्रखंड, चित्रंजन सिंह मुन्ना महासचिव उदवंत नगर प्रखंड, उपेंद्र सिंह मुखिया महासचिव जगदीशपुर प्रखंड, सत्यनारायण प्रसाद सिन्हा महासचिव वारा नगर, अशोक चौधरी महासचिव अभियान, मंजू देवी जिला पार्षद महासचिव चरपोखरी, मुन्ना पासवान मुखिया महासचिव गढ़नी, इन सारे वरिष्ठ नेताओं की जवाब। कितने लोग हैं टोटल? 16 लोग हैं।
टोटल 17 लोग हैं पूरे भोजपुर के विभिन्न प्रखंडों की जिम्मेवारी दी गई है, विभिन्न प्रखंडों की जवाबदेही दी गई है, जिसमें वो अपने प्रयास से प्रखंड के प्रयास से ज़्यादा संख्या में पटना चलने के लिए लोगों को प्रेरित करने की जवाबदेही इन पर्यवेक्षकों को दी गई है। घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मोदी जी ने जो विष रोपना शुरू कर दिया है अब वो पेड़ बनकर छा गया है। निश्चित तौर पे देश में जो यह प्रांतीयवाद का जहर फैल रहा है इसका समापन सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और उस दिवंगत आत्मा के प्रति जो मेरा भाई था, जो मेरा खून था, जो मेरे इस मिट्टी का लाल था, वह उसका योगदान होगा गुजरात के विकास में। लेकिन जो विष फैलाया